बसमिल्ल रहीम uh, मेरा नाम डॉक्टर हिदायत बंगश है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अच्छा आज बात करते हैं कुछ फ़्रांस वीज़ा के बारे में फ़्रांस वीज़ा किस तरह मिलता है क्या तरीक़ाकार है तो इसलिए मैंने कहा चलो आपसे ये शेयर करता जल पहले तो यह है कि फ़्रांस वीज़ा आपने गूगल पे जाना है वहाँ पे फ़्रांस वीज़ा लिखना है तो आपको ये वेबसाइट आ जाएगी जो फ़र्स्ट वेबसाइट है इसको खोलें जो ही आप वेबसाइट खोलते हैं तो आप देखें ये फ़्रांस वीज़े का वेबसाइट है तो इस पर आप थोड़ा सा आप लिख के ये वेलकम टू फ्रांस वीज़ास ये ऑफिशियल जो वेबसाइट है एप्लीकेशन के लिए वो है तो इसमें कुछ लिख के हैं पहले वो पढ़ लें हेल्थ कंडीशन है उसके बाद एक दो तीन चार ऑप्शन है तो ये आप चेक कर लें इससे आपको सारा तरीक़ाकार आसानी से समझ आएगा पहले तो ये है डू यू नीड ए वीज़ा टेस्ट इन थ्री मिनट्स लिस्ट ऑफ़ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन फ़ी तो एक तो ये है कि आपने अगर आपको वीज़ा चाहिए कि नहीं ये आपको बता देंगे स्टार्ट योर एप्लीकेशन उसके बाद एप्लीकेशन है क्रिएट अकाउंट किस तरह है फिल आउट द एप्लीकेशन फॉर्म तो ये है तर्ड ये है कि सबमिट एप्लीकेशन एप्लीकेशन किस तरह सबमिट की जाती है उसके लिए अपॉइंटमेंट है और वो किस तरह की जाती है तो वो है लास्ट जो है जब आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो वो ट्रैक किस तरह कर सकते हैं आपका एप्लीकेशन स्टेटस कैसे हो सकता है कलेक्ट पासपोर्ट किस तरह होता है तो ये चार ऑप्शन है पहले हम कहते हैं कि चलो चेक करते हैं किस तरह आपने चेक करना है कि क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और कौन सा वीज़ा है तो मैंने ये किया इस पर फर्स्ट पे क्लिक किया थोड़ा सा नीचे आए तो इन्होंने लिखा है कि आ, आ, क्या आपको वीज़ा चाहिए कि नहीं चाहिए तो ये आपने पहले ये लिखना है कि इसमें आपने कंट्री अपनी सेलेक्ट करनी है तो मैं आ, पाकिस्तान को सेलेक्ट करता हूँ इसी तरह आप अपनी सेलेक्ट करें तो पाकिस्तानी मैंने सेलेक्ट किया नेशनलिटी एज लिखते फॉर एग्जांपल मैंने फोर्टी लिख दिया तो अब आपको कहता है आ, कोई फ्रेंच से तो आपकी शादी नहीं हुई तो नहीं है तो आपने नहीं करना है Uh, कोई मेंबर है जो फ्रांस uh, के अलावा कुछ किसी यूरोपीय यूनियन कंट्री का आपका फैमिली मेंबर हो जो आपके साथ जा रहा हो तो वो uh, इसके अलावा यूके का कोई फैमिली मेंबर हो कोई है जो आपके साथ जा रहा है तो आपने वो भी नो करना है अगर हैं तो वो कर दे स्टे कहाँ पे है सबमिशन uh, कहाँ पे करेंगे पाकिस्तान में करेंगे सही है uh, उसके बाद वीज़ा टाइप तो शॉर्ट टाइम हमने करना है ये शॉर्ट टाइम नाइन्टी डेज़ या इससे कम होता है तो ये वीज़ा हमें चाहिए तो मैंने ये सिलेक्ट किया और डेस्टिनेशन स्टे कहाँ पे है तो मुख्तलफ जगह है तो मैंने यही लिखना है कि फ्रांस लिखना है सिंपल सही है तो ओके कर दिया अब उसमें ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स कहाँ के हैं मेरे पास पाकिस्तान के हैं और ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स कौन से ऑर्डिनरी पासपोर्ट है ओके कर दें उसके बाद सर्च कर दें अब जो ही आप सर्च करेंगे उसके बाद इसका रिज़ल्ट आएगा ये आ गया अब इसके बाद है कि यू नीड वीज़ा आपको वीज़े की ज़रूरत है अगर आप यूरोपीय यूनियन का कोई सिटीज़न है तो फिर आपको नहीं है ज़रूरत और इसके अलावा आपके पास कोई रेजिडेंस परमट है शिनजन स्टेट्स का और रेजिडेंट पर्सन है अंडोरा या मनाको का और इसके अलावा आप कोई फ़्लाइट क्रू है जो ड्यूटी कर रहे हैं एयरपोर्ट के एरिया के दौरान तो आपको वीज़े की ज़रूरत नहीं है इसी तरह समंदरी जो होते हैं उनको भी नहीं है जो आप उधर ही क्योंकि आपने अपने कश्ती पे रहना है तो वो शिप पे तो इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं है बाकी जो जितने भी पाकिस्तानी हैं उनको वीज़े की ज़रूरत है अब उसके बाद आता है यूअर प्लान अच्छा प्लान्स क्या है किस लिए जाना है तो मैं टूरिज़म को सेलेक्ट करता हूँ इसमें फैमिली प्राइवेट है तो उस हिसाब से आपने डॉक्यूमेंट्स भी प्रोवाइड करने हैं लेकिन अगर आप टूरिज़म के जा रहे हैं तो टूरिज़म के लिए मैंने ओके कर दिया मेन पर्पस क्या है विजिट है टूरिज़म है इसको हम सर्च करते हैं तो नेक्स्ट जो ये आते हैं तो इसमें आपने देखे ये आपके जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए ये है अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए विजिट के लिए टूरिज्म के लिए पहले तो यह ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स हैं पासपोर्ट होना चाहिए जो दस साल से कम अर्सा में हुआ है तो पाकिस्तानी आपको पता है दस या से कम ही इशू होता है इसके बाद वेलिडिटी थ्री मंथ्स या उससे ज़्यादा होनी चाहिए और डेट जो है आपकी थ्री मंथ्स अगर जब शिनजन एरिया है उससे भी थ्री मंथ्स ज़्यादा उसकी वेलिडिटी होनी चाहिए इसके अलावा जितनी भी आपके पेजेस हैं ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स जिसके वीज़ा हैं वो आपने करना है स्कैन इसके अलावा एग्जैक्ट एंट्री स्टैंप है जितनी भी वो स्टैंप लगे हैं वो करना है सेकंड ये है कि आईडी फोटोग्राफ चाहिए आपकी आ, अगर आप अपने कंट्री में हैं तो आपके आईडी कार्ड चाहिए पाकिस्तान में अगर किसी और कंट्री में तो वहाँ का जो प्रूफ होता है आईडी का वो चाहिए इसके अलावा आपने ये करना है कि आपने रिजर्वेशन कंफर्मेशन आपने जो ट्रिप किया है उसके लिए कोई कंफर्मेशन है कि नहीं है मतलब आपने एक ट्रैवल से प्लान देना है कि आप उधर कहाँ रहेंगे क्या करेंगे आपने कोई वो की है कि नहीं और इसके अलावा रिटर्न टिकट होना चाहिए और ट्रेवल जो प्लान है वो भी आप उनके साथ शेयर करें बाकी उसके बाद आपको ये चाहिए कि जो प्रोफेशनल सिचुएशन है मतलब आप क्या करते हैं एम्प्लॉयमेंट कंट्रैक्ट कितना है वर्क कितना है उसमें कब से काम शुरू किया था आपने और क्या क्या है तो ये भी आपने शेयर करना है उसके बाद फंड्स हैं तो फंड्स सिक्स मंथ की बैंक स्टेटमेंट है सिर सिर्फ है कम अज़ कम थ्री मंथ्स की अगर आपका पेंशन सर्टिफिकेट है रिटायर है तो वो भी शेयर कर सकते हैं अच्छा अकोमोडेशन की भी आपको प्रूफ चाहिए वहाँ पे आपकी अकोमोडेशन अगर कोई प्राइवेट बंदा दे रहा है तो उसकी भी आपको चाहिए होटल रिजर्वेशन है तो वो भी चाहिए अगर आपने कोई अपार्टमेंट लिया है तो लीज़ एग्रीमेंट उसका होना चाहिए इसके अलावा ट्रेवल इंश्योरेंस है तो ट्रेवल इंश्योरेंस ये इन्होंने कंपनी दी है अप्रूव्ड लिस्ट है तो ये आप चेक कर सकते हैं ये कंपनी जितनी भी है तो वहाँ से आपने ट्रेवल इंश्योरेंस लिया है इसके बाद है कि एप्लीकेबल जो फ़ीस है आ, वो कितनी है वो अस्सी है। यूरो है पाकिस्तानी चौबीस हज़ार पाँच सौ रुपए जो आपने कौंसलेट में मतलब है और अगर ज़्यादा हो गई तो आपने वो एक्सचेंज रेट भी ज़्यादा हो जाएगी उसके बाद आपने क्या करना है ये डॉक्यूमेंट सारे तैयार करके आपने सबमिट एप्लीकेशन क्लिक करना है जो ही आप क्लिक करते हैं तो आप अकाउंट क्रिएट करेंगे और क्रिएट करके इस पर आपने आ, आ, वो करना है अब इस पर आपने क्या करना है एप्लीकेशन सबमिट करना है अच्छा ये जो जब आ जाए तो उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है मैं आपको बताता हूँ फिर बुक अपॉइंटमेंट आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है अच्छा अपॉइंटमेंट किस तरह बुक करेंगे अपॉइंटमेंट जो भी है आपने आ, आ, क्या करना है अपॉइंटमेंट आपने ये याद रखे एप्लीकेशन और अपॉइंटमेंट कम से कम महीना पहले आपने बुक करनी है और ये अपॉइंटमेंट आपको तकरीबन उससे डिपार्चर से काफ़ी अर्सा पहले होना चाहिए ताकि आपको कम से कम वो ड्यूरेशन मिल सके और ये भी कह रहे हैं इसमें कि अपॉइंटमेंट वेटिंग टाइम इतना है कि कभी कभार थ्री मंथ्स डिपार्चर से थ्री मंथ्स पहले भी आप कर सकते हैं अपॉइंटमेंट बुक करने उसके बाद आपने क्या करना है अपॉइंटमेंट जिस दिन होगा उस दिन आपने सारे डॉक्यूमेंट्स और इसकी कॉपी पासपोर्ट और आई वग़ैरह की कॉपी वगैरह बना के वो लेनी है फिर जो सर्विस प्रोवाइडर है वो आपसे रिसीव करेंगे आपका एप्लीकेशन रिव्यू करेंगे और आपकी वीज़ा फ़ीस भी जमा करेंगे उसके बाद बायोमेट्रिक डेटा करेंगे फ़ोटो और फिटर प्रिंट और इसके अलावा आपका पासपोर्ट भी रखेंगे और कॉपी भी आपके डॉक्यूमेंट्स के रखेंगे फिर आपने उधर ये करना है उसके बाद आपका वो तकरीबन ट्वेंटी से हाफ एन आवर आपका सबमिशन में लग जाएगा बायोमेट्रिक जो है फीस है फीस आ, वो आपको जो फीस है वो आपसे कलेक्ट करेंगे इसके अलावा जो भी है उसके बाद आपका एप्लीकेशन जब कन्फर्म होगा तो फिर उसके बाद आप वेट करेंगे वेट करेंगे तो उसके बाद आपको उससे भी कॉल आएगी उधर से ख़ुद भी कॉल आ जाएगी नहीं है तो आप फॉलो भी कर सकते हैं इसको मतलब मालूम कर सकते हैं तो बेस्ट बेस्ट वे यही है कि आपको मैसेज आ जाएगा उसके बाद आ, आप आ, कर सकते हैं पासपोर्ट कलेक्ट सर, कर सकते हैं जो भी डिसीजन होगा वो उसी में होगा अच्छा मैं असल में पेड़ थोड़ा सा पीछे जा रहा हूँ उसकी वजह यह है कि ये मैं आपको थोड़ा सा दिखा सकूँ ये फर्स्ट स्टेप तो मैंने दिखा दिया दूसरा स्टेप ये है कि उसमें अकाउंट क्रिएट करना है तो आप ख़ुद कर सकते हैं और एप्लीकेशन फिल करें बुक अपॉइंटमेंट किस तरह है जो तीसरा जो वो है बुक इन अपॉइंटमेंट अच्छा इसकी थोड़ी सी मैं आपको दे, डिटेल दे दूं क्योंकि पाकिस्तान से है तो मैं पाकिस्तान पे क्लिक करूं तो आपको वो शॉर्ट टाइम के लिए जो है आ, आ, ये कह रहे हैं फॉर शॉर्ट टाइम इधर पे प्लीज़ सबमिट यूर पर एडवांस डिपार्चर से पंद्रह बीस दिन लेकिन मैं यही कहूँगा जितना ज़्यादा टाइम वो आ, ये होना चाहिए आ, होना चाहिए और फिर ये है कि हुम शुड आई कंटेक्ट आपने किस से कंटेक्ट करना है अच्छा तो ये है कि <coughs> वीज़ा पाकिस्तान में है या अफगानिस्तान में है वो फ़ाइल फ्रांस एम्बेसी में जो होते हैं मस्ट सबमिट देर वीज़ा फ़ाइल एट एम्बेसी पाकिस्तान अच्छा ये है आ, अब वहाँ पे आपने करना है एम्बेसी इस्लामाबाद एम्बेसी में डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं अच्छा इसकी क्या है ए जी ट्रेवल सर्विस प्राइवेट द ओनली कंपनी रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रांटिंग अपॉइंटमेंट्स और ये है कि ये ए जी ट्रेवल सर्विस जो कंपनी है यहीं से अपॉइंटमेंट बुक होगी आपकी और यहीं से आपने पासपोर्ट लास्ट में करेक्ट करना है तो ये आप चेक कर सकते हैं कि डेट है कंटेक्ट डिटेल है ओपनिंग टाइम्स अच्छा जब आप अपॉइंटमेंट लेंगे तो उसके लिए ये है कि मंडे को आठ से एक पीएम के दौरान आपने लेना है और ट्यूसडे को भी है वेजडे को भी है थर्सडे को, को भी है फ्राइडे से अच्छा जिस संडे आप अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते तो आपने इनके वेबसाइट पर जाना है अपॉइंटमेंट आई जी तो मैं थोड़ा सा उस पर भी जाके आपको बताता हूँ ये क्लिक करेंगे आप अच्छा जो ही आप ये वेबसाइट अपॉइंटमेंट इन्होंने लिखा है इस पर मैंने क्लिक किया है तो ये लोड हो रहा है अब थोड़ा सा जो ही वो खुल जाता है तो मैं आपको बता दूंगा कि क्या है अच्छा यहाँ से तो नहीं खुल रहा है लेकिन ये मैं बुक एन अपॉइंटमेंट पे क्लिक करता हूँ जो ही बुक इन अपॉइंटमेंट पे क्लिक करता हूँ तो ये एच जी पाकिस्तान की उस पर चला जाता है और यहाँ पे आपने पता है ये सारे डिटेल हैं और यहाँ पे, पे आप ये इसको पढ़ के अपॉइंटमेंट जो भी है आप इस इधर से कर सकते हैं इधर आप देखें इस पर है फ्रेंच वीज़ा सर्विस है उसके बाद इन्होंने दिया है इंटरव्यू शेड्यूलिंग तो ये इंटरव्यू शेड्यूलिंग के लिए ये होगा अच्छा आ, तो ये आपने ये करना है यूनिट कंटेक्ट ये चीज़ है और ये बायोमेट्रिक वगैरह के लिए भी हैं तो यहाँ से आप अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं बाक़ी ये है कि थोड़ा सा आ, प्रोसेस इनका लेंथी है लेकिन आ, इतना टफ वो नहीं है आ, मुश्किल प्रोसेस नहीं है बस ये करना है कि सारा प्रोसेस फॉलो करके आप अप्लाई कर सकते हैं तो ये थोड़ी सी फ्रेंस के दूसरे जो वीज़ा टाइप हैं वो भी आप इधर चेक कर सकते हैं बहरहाल आपने वो करना है कि आप ये ये चीज़ें हैं इस पर चेक कर लें और अपॉइंटमेंट आप यहाँ से बुक कर सकते हैं बाकी अगर किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आई तो ये वेबसाइट दारुलिस देख लें इसके अलावा आप वो भी कर सकते हैं अगर नहीं है तो मुझसे भी रबता कर सकते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इन शूँगा कि और भी इसी तरह आपको इन्फॉर्मेशन लाता रहूँगा थैंक यू अल्लाह हाफिज़